अच्छा स्टूडेंट्स, हम लोगों का अब ये हमारी इसका मतलब लास्ट टॉपिक है जिसके अंदर ही डाइवर्स टॉपिक्स हैं। स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों ने इस पर बहुत ज़्यादा गौर देना है, आप लोगों ने इसकी बुक रीडिंग भी बहुत अच्छे से करनी है और कंसेप्ट को भी बहुत अच्छे से समझना है, देन ही आप इसको समझ सकते हो। अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा बोरिंग टॉपिक लगता है। तो आप लोगों ने बोरिंग अगर समझ के इसको छोड़ दोगे देन बिल्कुल भी फेयर नहीं है। आप लोगों ने इस पर अच्छी तरह समझना है और इसको बताना है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें किस तरह से हो सकती हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं कि हम लोगों को पता है कि हमारे पास जो टिश्यूज़ हैं वो हमारे सेल्स की ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म को कहते हैं, ठीक है। अब हमारे सेल्स की जो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होती हैं उनके अंदर हम जब टिश्यू यूज़ कर रहे हैं, टिश्यू हमारे बॉडी में है तो हमारी बॉडी के अंदर वो सेल की एक अच्छी मतलब सेल की जिसे आप कह लो कि पोजिशन में काम आते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हमारे सेल्स की जो ऑर्गेनाइज फॉर्म है वो है टिश्यूज़। अब हमारे पास टिश्यूज़ की जो आगे टाइप्स हैं, टिश्यूज़ की जिस तरह से टाइप्स हैं वो किस तरह काम करती हैं उसको हम आगे से देख लेते हैं कि एनिमल टिश्यूज़ में, प्लांट टिश्यूज़ में कैसे कैसे काम हो रहे हैं, कैसे कैसे उनकी आगे एग्जाम्पल है। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों को इन्होंने ना बताया हुआ एनिमल टिश्यूज़ में सबसे पहले है एपिथीलियल टिश्यूज़। अब एपिथीलियल टिश्यूज़ के अंदर ना डिफरेंट टाइप है, इसकी 4 to 5 टाइप्स है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को डायग्राम से बताऊंगी, डायग्राम से आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि इसका फ्लैट सरफेस एरिया है, इसका लार्ज सरफेस एरिया है। अगर आप लोग रीडिंग पे जाओगे तो आप लोगों ने रीडिंग पे फोकस जरूर करना है, लेकिन वो उनको जैसे क्रैमिंग करते हैं रट्टा वो ना करना, बिल्कुल समझ नहीं आएगी। एपिथीलियल वैसे हम लोग कहते हैं कि हमारी जो एक जिसे कहते हैं ना कि एक एपिथीलियल कि हमारी एक ये लेयर है, ठीक है, एपिथीलियल लेयर है, ठीक है। एपिथीलियल, एंडोमेट्रियम, मीजोडर्म, ये सारी लेयर्स हैं जो इफेक्ट यूज़ करनी है। अब ठीक है स्टूडेंट्स, एनिमल टिश्यूज़ में एपिथीलियल टिश्यूज़ मेजर कैटेगरी है। एपिथीलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, मसल टिश्यू है और नर्व टिश्यू है। एपिथीलियल टिश्यू है, मसल टिश्यू है, एपिथीलियल के बाद कनेक्टिव है, ठीक है, उसके बाद मसल्स है, ठीक है, मसल्स टिश्यू है और उसके बाद हमारे पास नर्वस टिश्यू है। ये हमारे पास एनिमल टिश्यूज के अंदर 4 टाइप्स हैं, पहले याद रख लो, एपिथीलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू। अब इनके अंदर क्या वर्किंग हो रही है वो हम लोग देख लेते हैं कि कैसे काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात करें एपिथीलियल टिश्यूज़ की। अब स्टूडेंट्स, एपिथीलियल टिश्यूज़ की ही 3-4 टाइप है, स्क्वेमस एपिथीलियम, क्यूबिडल एपिथीलियम, क्लोमिनर एपिथीलियम, सिलिएटेड क्लोमिनर एपिथीलियम, ठीक है, सर्टिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम, ठीक है। अब इसकी जो टाइप्स हैं उसको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले है स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, क्लोमिनर, सिलिएटेड, स्ट्रेटिफाइड। अब स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जो स्क्वेमस है ये फ्लैट होता है, क्यूब शेप होता है, ये याद रखना हमेशा, जो क्यूबॉइडल है क्यूब शेप होता है, कॉलम्स में होता है, इसमें सिलियास की शेप का होता है, स्ट्रेटिफाइड में अंदर उसके अंदर डिफरेंट फ्लैट सेल्स की लेयर्स होती हैं, फ्लैट सेल्स की लेयर्स है। एपिथीलियल की क्या क्या टाइप है? स्क्वेमस एपिथीलियम, क्यूबॉइडल एपिथीलियम, कॉलमनर एपिथीलियम, सिलिएटेड एपिथीलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम, ठीक है। अब हम इसकी स्क्वेमस की सबसे पहले देख लेते हैं कि स्क्वेमस में क्या होगा कि हमारे पास ऐसे फ्लैट सेल्स होंगे जिसके अंदर हमारे पास ये सारे सेल्स हैं लेकिन एक फ्लैट लेयर है, ठीक है, स्क्वेमस इज फ्लैट लेयर होगी। क्यूबॉइडल में क्या होगा कि हमारे पास वो क्यूब शेप में होगा और क्यूब शेप के अंदर डिफरेंट क्यूब्स बनी होंगी, ठीक है, ये हमारी क्यूब्स हैं, ठीक है, ये क्यूब्स बनी हुई हैं, ये क्यूबॉइडल है लेकिन ये क्यूब शेप है। स्टूडेंट्स, मुझे लगता है ये ब्लू मार्कर ना ज़्यादा विजिबल नहीं है, लेट मी चेक विद द ब्लैक वन, ठीक है, ये क्यूब्स बनी हुई हैं, ये क्यूब्स जो है ना
ये हेल्प कर रही हैं इसको बताने कि ये क्यूब शेप क्या है। उसके बाद है कॉलम्स में। कॉलम्स में स्टूडेंट्स क्या होगा कि कॉलम्स के अंदर हमारे पास ऐसे एक सेल है और उसके अंदर ऐसे ऐसे सेल्स होंगे, ठीक है। ये सेल्स हैं और सेल्स के अंदर कॉलम्स बनी हुई हैं। उसके बाद सिलिएटेड है और सिलिएटेड के अंदर हमारे पास क्या होगा कि ये लार्ज लार्ज सेल्स होंगे, सिलिया की टाइप के, ठीक है। और उनके अंदर ये हमारे पास फॉर्मेशन होगी सिलिया के थ्रू, ठीक है स्टूडेंट्स। आप लोगों ने बस ना इनकी शेप्स याद रखनी है, शेप्स कैसी हैं, ठीक है, याद कर लो बस। क्वेमस फ्लैट है, क्यूब है, कॉलम है, सिलिया टाइप की है, स्ट्रेटिफाइड फ्लैट सेल्स हैं। और लार्ज पे आप लोगों के पास स्ट्रेटिफाइड है तो उसमें फ्लैट सेल्स की लेयर होती है जिसमें हम लोग ऐसे ऐसे बात करते हैं कि वो ऐसे ऐसे मूव कर रही होती है। अब स्टूडेंट्स इसमें कोई ऐसा मुश्किल बात नहीं है कि आप लोग भूल जाओ, आप लोगों ने याद रखना है एपिथेलियल की एनिमल टिश्यूज़ हैं। एनिमल टिश्यूज़ के हमारे पास आपकी बुक में 4 टाइप्स हैं, दैट इज़ एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मसल टिश्यू। एपिथेलियल के टिश्यू के अंदर 5 टाइप्स हैं, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सिलिएटेड, स्ट्रेटिफाइड। और उनके आगे ये शेप्स हैं, हमेशा याद रखना है, स्क्वेमस फ्लैट है, ये क्यूब शेप में है, ये कॉलम्स में है, ये जो है ना फ्लैट सिलिया टाइप में, और ये इनमें फ्लैट सेल्स जो है ना इंटरकनेक्टेड हुए हुए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद है आप लोगों का कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू में हमें पता है कि हमारे जो सेल्स होते हैं वो कनेक्ट होते हैं, इंटरकनेक्ट होते हैं, आउटर कनेक्ट होते हैं, ठीक है। और वो जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं वो एक चीज़ को दूसरी तरह से मूव कर रहे होते हैं। अगर हमारे पास ये हमारे पास दो सेल्स हैं, ये इनर वन है, ये आउटर वन है, तो ये एक दूसरे के साथ मूव करें, एक कनेक्ट हो रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे कि ये कनेक्शन बना रहे हैं और इस कनेक्शन के थ्रू ये कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ का जो मेजर काम होता है वो आप लोगों को पता है कि कनेक्शन का होता है, कि कनेक्शन में करना होता है इनर सेल में और आउटर सेल्स में, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू इसके एक तो मार्क कनेक्टिव टिश्यू के क्या है कि ये हमारे पास कनेक्टिंग फंक्शन है, इसका कनेक्टिंग कनेक्ट करना इसका फंक्शन है, ठीक है। अब ये कनेक्टिंग तो है, ठीक है। अब अच्छा स्टूडेंट्स अब आप लोगों ने याद रखना है कि एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू में ये डिफरेंट है कि जो एपिथेलियल टिश्यूज है उनके अंदर सेल्स होते हैं वो बने होते हैं फ्लैट सेल्स में, लेकिन कनेक्टिव टिश्यूज में ये होता है कि कनेक्टिव टिश्यूज में ये अनलाइक एपिथेलियम ये जो सेल्स होते हैं ना एक दूसरे के अंदर इंटरकनेक्टेड होते हैं और इंटरकनेक्टेड होते हुए ये मूवमेंट करा रहे होते हैं, जबकि हमारे पास एपिथेलियल में ऐसे नहीं होता, उसमें फ्लैट सेल्स होते हैं और इसमें स्कैटर्ड होते हैं। स्कैटर्ड का मतलब क्या होता है कि स्कैटर्ड होते हैं एक मैट्रिक्स में, ये सेल्स हैं किसी ना किसी तरह मूव कर रहे हैं और एक मैट्रिक्स बना रहे हैं, और जब वो मैट्रिक्स बना रहे हैं तो वो कनेक्टिव टिश्यूज की मैट्रिक है, ठीक है। समझ आ गई कि ये मैट्रिक बना रहे हैं, कनेक्टिंग इनका फंक्शन है। और जैसे हमारे पास बहुत ज़्यादा हमारे नोज़ में, ट्रैकिया में, स्टमक में बहुत ज़्यादा कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं जो हमारे अंदर जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं, जो ऑर्गेनिजम्स कह रही हूँ, जो स्ट्रक्चर्स हैं, ऑर्गेनाइज हैं, उनको कर रहे होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास एडिपोज टिश्यूज़ जो होते हैं वो भी कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। जो एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं वहाँ पे किडनीज की किडनीज कह रही हूँ आप लोगों के थाई हिप्स के पास होते हैं, और उनके अंदर एडिपोज टिश्यूज के अंदर क्या होता है कि कनेक्शन होता है और इनके अंदर फैटी एसिड जो है ना कनेक्ट होते हैं और वो लॉन्ग टर्म यूज़ होते हैं, तो ये भी आपके कनेक्टिव टिश्यूज़ की टाइप है, ठीक है। इसके थ्रू आप लोगों को पता चल जाएगा कि कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या हैं और उनकी आगे से हमारे पास किस तरह से हमारे पास वर्किंग हो रही है हमारी उसमें, ठीक है। अब हमारे पास इसकी एग्जांपल्स ले लेते हैं कि इसकी एग्जांपल कौन कौन सी है। हमारे पास इसकी एग्जांपल है कार्टिलेज है हमारे पास, ठीक है, जो बोन्स में होती है। बोन भी इसकी एग्जांपल है, ठीक है, कार्टिलेज बोन में होती है। उसके बाद ब्लड है, वो भी कनेक्टिंग है। एडिपोज टिश्यूज़ हैं, ये भी कनेक्टिंग है। तो ज़्यादा इसकी एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, लेकिन आप लोगों ने इसके स्ट्रक्चर याद रखना है और इसके फंक्शन और इसकी एग्जांपल्स याद रखनी है। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों के हैं मसल टिश्यूज। ठीक है,
मसल टिश्यू से ही पता चल रहा है कि ये हमारे पास मसल्स में पाए जाते हैं और मसल्स में पाए जाते हैं और मसल्स के अंदर ही ये हमारे पास एक बात बनाते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब मसल टिश्यूज़ के अंदर हम लोग बात कर लेते हैं कि मसल टिश्यूज़ के अंदर क्या क्या है, एक एक्सप्लेनेशन कैसे उन्होंने बताई हुई है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों के मसल टिश्यूज़ के अंदर भी ना वो हैं, क्या कहते हैं उसको, टाइप्स, तो आप लोगों ने उसको उसके साथ रिलेट नहीं करना कि एपिथेलियल की भी टाइप्स थी, आप लोगों ने इसको अलग से रखना है। मसल टिश्यूज़ की हम लोग टाइप्स देख लेते हैं कि इसकी टाइप्स क्या हैं। सबसे पहले है इसकी टाइप स्केलेटन, स्मूथ, कार्डियक, ठीक है। ठीक है, ये जो स्केलेटल्स होते हैं ये बोन से अटैच्ड होते हैं हमारे पास। ये जो स्मूथ मसल्स होते हैं ये हमारे पास एलिमेंट्री कनाल में होते हैं, ठीक है, यूनियन ब्रेडल में होते हैं। ये मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस के लिए इनका काम होता है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस के लिए। और जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ये मूवमेंट ऑफ बोन्स के लिए, ये बोन्स की मूवमेंट के लिए, ये किसके मूवमेंट के लिए, सब्सटेंसेस की मूवमेंट के लिए। उसके बाद हमारे पास कार्डियक मसल्स हैं, ये हमारी वॉल्स ऑफ हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और वॉल्स ऑफ हार्ट में क्या होता है, ये हमारी हार्ट बीट को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये आप लोगों के पास डिफरेंस है, आप लोगों के पास मसल टिश्यूज़ के अंदर तीन टाइप्स हैं, स्केलेटल टिश्यू, स्मूथ टिश्यू, कार्डियक टिश्यूज, ठीक है। कार्डियक मसल्स, स्केलेटल मसल्स जो होते हैं वो बोन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बोन को स्ट्रेंथन करने के लिए, और इनका काम क्या होता है कि ये बोन्स की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। स्मूथ टिश्यूज़ होते हैं हमारी एलिमेंट्री कनाल में होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में होते हैं, ये स्मूथ मसल्स होते हैं, ठीक है। और इनका काम क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस में हेल्प करते हैं। एलिमेंट्री कनाल में क्या होता है कि अगर हम एक चीज़ खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में अंदर जाके डिफरेंट चीज़ों में कन्वर्ट हो जाती है ना, मेटाबॉलिज्म के लिए लोअर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये सब्सटेंसेस की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। कार्डियक टिश्यूज वॉल्स ऑफ हार्ट बीट होते हैं एंड इट प्रोड्यूस हार्ट बीट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब उसके बाद आप लोगों के लास्ट वाले आ जाते हैं जो हमारे पास एनिमल टिश्यूज़ के लास्ट वाले हैं, नर्वस टिश्यूज़।